और वहीं दूसरी तरफ अब डोईवाला विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक हुई, जहां जिला अध्यक्ष शमशेर सिंह पुंडीर और डोईवाला विधानसभा प्रभारी संदीप गुप्ता ने वर्तमान में चल रहे पार्टी के कार्यक्रम दीवार लेखन कार्य की समीक्षा बैठक ली, जहाँ डोईवाला विधानसभा के सभी मंडल अध्यक्षों से उनके संबंध बूथ पर चल रहे कार्यों की जानकारी हासिल ली गई। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि इस अहम बैठक में मुख्य रूप से 7 से 15 अक्टूबर तक दीवार लेखन कार्य की समीक्षा की गई। प्रत्येक बूथ के 15 स्थानों पर दीवार लेखन का काम किया जा रहा है और इसी दौरान विधानसभा प्रभारी संदीप गुप्ता ने कहा है कि सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर पार्टी के लिए दिए जाने वाले सभी कार्यक्रमों को वरीयता से लें और साथ ही सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को घर घर तक पहुंचाने का काम भी किया जाए, ताकि एक बार फिर से सूबे में बीजेपी की सरकार बनाने में सफल हो सके। चर्चा बैठक यहां पर रखी हुई है। का जो मुख्य लक्ष्य है अब की बार 60 के पार का जो नारा प्रदेश नेतृत्व ने दिया हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता आशान्वित है, उत्साहित है कि अपनी पार्टी को पिछले लक्ष्य से ज़्यादा सीटों को जिताने के लिए प्रत्येक कार्यकर्ता बूथ स्तर पर जो पार्टी के दिए हुए कार्य हैं, जैसे बूथ लेखन का कार्यक्रम है, आज जिसका मेगा इवेंट हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं 7 तारीख से 15 तारीख तक के बीच जो बूथ लेखन प्रत्येक बूथ में होना है, उसके बाद प्रबुद्ध सम्मेलन का कार्यक्रम है, उसके बाद घर घर भाजपा हर घर भाजपा का कार्यक्रम है। हमारा दीवार लेखन का कार्यक्रम 7 अक्टूबर से शुरू हुआ है, 15 अक्टूबर तक जो चलेगा। हर बूथ पे 5-5 दीवारें हमको लिखनी है, जैसे घर घर भाजपा हर घर भाजपा, तो आज उसका बड़ा इवेंट है हमारा कि सब जगह हम बहुत बड़ी मात्रा में हर बूथ पे आज उसको लिख रहे हैं। तो उसी के तहत आज का ये हमारा कार्यक्रम था जिसमें हमारे चारों मंडल अध्यक्ष हमारे यहाँ पर आए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और कार्यकर्ताओं के बल पर ही आज भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी बनी है। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें कार्यकर्ता भी एक प्रधानमंत्री बन सकता है, एक मुख्यमंत्री बन सकता है,